ये कहानी है टेक्सास शहर की। एक दिन लेवलिन मोस नामी आदमी टेक्सास के एक वीराने में हिरणों का शिकार कर रहा होता है और उसके काफी दूर एक तरफ हिरणों का झुंड होता है। वो दूरबीन की मदद से एक हिरण पर गोली चला देता है, लेकिन हिरण वहाँ से भाग जाता है। वो हिरण का पीछा करता है और रास्ते में उसे खून के निशान मिलते हैं। वो उन निशानों पे देखता है तो उसे पता चलता है कि सामने से एक कुत्ता लंगड़ाता हुआ आ रहा होता है। वो दूरबीन की मदद से देखता है तो उसे सामने वीराने में काफी ज्यादा गाड़ियाँ दिखती हैं और वहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है कि वहाँ कुछ लोग मरे हुए होते हैं और वहाँ जाके पता चलता है कि दो पार्टीज आई हुई थी और दोनों के दरमियान ड्रग की डीलिंग हो रही थी जिसकी वजह से ये लोग मारे गए थे। लेवलिन इस चीज का सुराग तलाश करने के लिए गाड़ी के पास जाता है और अंदर देखता है तो एक आदमी बुरी तरह से घायल हुआ होता है। वो उससे पानी मांगता है लेकिन लेवलिन कहता है कि उसके पास पानी नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो दूरबीन से एक पेड़ के पास देखता है तो उसे एक आदमी घायल नजर आता है। वो आके देखता है तो ये मर चुका होता है। लेवलिन उसकी गन ले लेता है और वहाँ देखता है कि एक सूटकेस भी पड़ा होता है। वो सूटकेस खोलता है तो उसमें हर तरफ पैसे ही पैसे होते हैं। वो ये सूटकेस अपने घर ले आता है। वो अपनी बीवी को भी इस बारे में बताता है और उसके बाद वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। सोने से पहले उसे उसी आदमी की याद आती है जो कि उससे पानी मांगता है और वो सोचता है क्या वो उसको पानी देने जाएगा। उसकी बीवी उससे जाने के लिए पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो उससे असल बात नहीं बताता और कहता है कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन अगर मैं वापस ना आया तो कहना मेरी माँ को कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसकी बीवी उसको कहती है कि तुम्हारी माँ तो मर चुकी है, तो वो कहता है कि चलो मैं उन्हें खुद ही कह दूंगा। वो जब उस आदमी के पास पहुँचता है तो देखता है कि वो मर चुका होता है और किसी ने उसको गोली मार दी होती है। तो वो सामने से देखता है कि कुछ लोग उसे देख रहे हैं, तो वो वहाँ से अपनी कार की तरफ चला जाता है। वो लोग उसे देख लेते हैं और उस पे गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। वो लोग लेवलिन का पीछा करने लग जाते हैं, इसलिए वो सामने एक नदी में छलांग लगा देता है। लेवलिन पूरी तरह से घायल है, उसको गोली लग चुकी होती है, लेकिन वो नदी में जाके अपनी जान बचा लेता है। लेवलिन जब घर आता है तो उसकी बीवी उसको इस हालत में देख के परेशान हो जाती है और वो उसको कहता है कि तुम अपनी माँ के घर चली जाओ, क्योंकि उन लोगों को मेरा घर का पता अब चल चुका होगा, क्योंकि मेरी गाड़ी वहीं पे ही है जहाँ से मैंने पैसे उठाए थे, वो लोग किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। लेवलिन उसे बताता है कि $2 मिलियन की बात है, वो लोग आसानी से मुझे नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ वीराने में वहाँ पे तीन लोग पहुँच जाते हैं जिनमें से एक का नाम एंटन होता है और वो इन सब का बॉस है और ये एक साइको किलर भी होता है। ये लोग लेवलिन की कार से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं और एंटन अपने आदमियों से रिसीवर के बारे में पूछता है। उसका आदमी उसे रिसीवर दे देता है लेकिन उसे इससे रिसीवर से कोई भी मदद नहीं मिलती। दरअसल उन पैसों वाले सूटकेस में एक ट्रैकिंग डिवाइस होता है, तो जब तक पैसों वाला सूटकेस रिसीवर की रेंज में होगा तो ये लोग ट्रैकर की मदद से सूटकेस तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद एंटन दोनों को गोली मार देता है और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो साइको होता है। फिर एंटन लेवलिन के घर आ जाता है लेकिन उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता और लेवलिन एक होटल में चला जाता है जो कि बहुत सस्ता सा होता है। वहाँ वो उसकी विंडो में सूटकेस को छुपा देता है। लेवलिन जब होटल वापस आता है तो देखता है कि वही गाड़ी जो कि उसे वीराने में मिली थी वही इस होटल के बाहर होती है। वो वहाँ से बगैर कुछ सोचे अपना होटल बदल लेता है और एक रात वहीं पे रहता है। सुबह अपने होटल वापस आ जाता है। फिर वो होटल में आके उस मालकन से बोलता है कि मेरा रूम चेंज कर दो और वो वही रूम चेंज करता है जिसका वेंटिलेशन चैम्बर जो होता है वो दूसरे वेंटिलेशन चैम्बर के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी कि सात वाला रूम, क्योंकि पैसे उसी में होते हैं। वो दूसरे कमरे में जाके सूटकेस को निकालने लग जाता है लेकिन साथ ही एंटन का रिसीवर बजने लग जाता है, उसको सिग्नल मिलना शुरू हो जाते हैं। तो वो उस होटल के पास जब आता है जहाँ लेवलिन रुका होता है तो उसका रिसीवर बहुत जोर से बजने लग जाता है। फिर वो उसके रूम में चला जाता है क्योंकि वो उस रूम में चला जाता है जो उसने पहले लिया होता है लेकिन अब वो छोड़ चुका होता है। तो वो वहाँ जाते ही कुछ लोग जो वहाँ पे कई और लोग बैठे होते हैं उनको मार देता है। जब लेवलिन को उन लोगों की डेड बॉडी का बारे में पता चलता है तो वो वहाँ से पैसों का बैग लेके होटल चेंज कर लेता है और होटल के मैनेजर को थोड़े पैसे ज्यादा दे देता है और कहता है कि अगर कोई मेरे बारे में पूछे या कुछ कहे तो मुझे पहले बता देना। वो बहुत परेशान होता है कि आखिर कैसे उसको इसके होटल का पता चला। वो जैसे ही सूटकेस खोलता है और पैसों की खोज लगाता है तो उसे वो ट्रैकिंग डिवाइस मिल जाती है, तो वो सारा खेल समझ जाता है। उसके बाद एंटन उसके रूम के बाहर आ जाता है और गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जवाब में ये भी गोलियां चलाना शुरू कर देता है और कमरे की खिड़की से कूदकर पैसों का बैग के बाहर निकल जाता है और फिर एक गोली लेवलिन की कमर पर लग जाती है, लेकिन लेवलिन अभी भी भाग रहा होता है। लेवलिन भी फिर एंटन पे एक गोली चला देता है और इस तरह एंटन बिल्कुल घायल हो जाता है। और फिर लेवलिन वहाँ से भागकर मेक्सिको के बॉर्डर पे पहुँच जाता है और घायल होने के बावजूद बॉर्डर पार करते हुए टेक्सास से मेक्सिको पहुँच
पहुंच जाता है। दोनों अलग अलग अस्पताल में अपना अपना इलाज करवाते हैं। उधर लेवलन से एक आदमी हॉस्पिटल में मिलने आता है और उसे पैसों के बारे में बात करता है और वो इसकी मदद करने के लिए आता है। असल में इसे उसी आदमी ने भेजा होता है जिसका असल में ये पैसा होता है और उसी ने एंटन को भी हायर किया होता है, लेकिन एंटन भी अब उसे भरोसा नहीं होता, इसलिए वो लेवलन के पास अब इस आदमी को पहुंचता है, लेकिन लेवलन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वो आदमी उसे अपना नंबर देता है और कहता है कि मदद चाहिए हो तो कॉल कर लेना। अब वो आदमी होटल में अपने रूम में पहुंचता है और वहाँ पे उसे एंटन भी मिलता है और वो उसे मार देता है। तभी उस आदमी का फोन बजता है और एंटन उठाता है। फोन पर दूसरी तरफ लेवलन होता है। दोनों समझ जाते हैं कि वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एंटन पैसा मांगता है लेकिन लेवलन उसे देने से मना कर देता है और वो उसे धमकी देता है कि अब की दफा वो तुम्हारे पास नहीं बल्कि सीधा उसकी बीवी के पास आएगा और उसे मार देगा, और वो उसे कहता है कि तुम मेरी बीवी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और फिर वो फोन काट देता है। अगले दिन लेवलन अमेरिका के बॉर्डर में आके अमेरिका में घुस जाता है और फिर वो अपनी बीवी को फोन करता है और कहता है कि तुम मेरे से कल आके मिलो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा और प्लेन में बिठा दूंगा। उसकी बीवी उसकी सारी बात समझ जाती है और मिलने पर आमादा हो जाती है। तो वो अगले दिन वेट करता है तो सामने से देखता है कि उसकी बीवी और उसकी बीवी की माँ आ रही होती है, लेकिन फिर एकदम कोई आदमी लेवलन की माँ के पास आता है और बातों में लेवलन का पता पूछ लेता है। ये उसी ग्रुप का एक आदमी होता है। इन लोगों को लेवलन का पता होता है इसलिए वो एंटन के आने से पहले ही लेवलन को मार देते हैं। तो उस वक्त वहाँ पे पुलिस आ जाती है और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि लेवलन के पास पैसे नहीं होते। उसी रात एक पुलिस ऑफिसर उसी रूम में जाता है जहाँ लेवलन रुका होता है। तो वो देखता है कि दरवाजा उसी तरह शूट करके खोला गया है जैसे एंटन खोलता था। उसे लगता है कि जैसे एंटन वहीं होगा, लेकिन अंदर एंटन नहीं होता। वहाँ पे एक ग्रिल निकली होती है और एंटन का कॉइन भी वहीं होता है, मतलब एंटन ने पैसे ले लिए थे। एंटन को पता होता है कि लेवलन ने पिछले होटल में भी उसने वेंटिलेशन चैम्बर में सारे पैसे रखे थे। एंटन भी वहाँ पे मौजूद होता है लेकिन पार्किंग में अपनी कार में छुपा होता है, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर को रूम में नहीं मिलता। कुछ दिनों के बाद एंटन लेवलन की बीवी के पास जाता है और वो लेवलन की वाइफ को कहता है कि वो उसे मार देगा। वो अपनी जिंदगी के बहुत से पैसे सिक्के घुमाकर करने का आदी था और वो उसकी वाइफ से पूछता है हेड या टेल। तो उसकी बीवी कहती है कि कुछ भी नहीं, ये तुम्हारा फैसला, तुम मुझे मारो या नहीं। और उसके बाद ये दिखाते हैं कि एंटन उनके घर से बाहर जा रहा होता है और वो अपने जूते चेक कर रहा होता है ये देखने के लिए कि अंदर खून लगा है या नहीं, मतलब उसने लेवलन की बीवी को मार दिया होता है। वो अपनी गाड़ी से थोड़ी सी आगे जाता है तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जोर से उसकी गाड़ी को मार देता है और इस दौरान उसका हाथ टूट जाता है। वहाँ दो बच्चे साइकिल चला रहे होते हैं। वो उन बच्चों में से एक से उसकी शर्ट मांगता है ताकि अपने हाथ को शर्ट से बांधकर लटका सके और वो इसके बदले उनको $100 देता है। और वो उस बच्चे को इसलिए देता है पैसे ताकि वो किसी को कुछ ना बताए, क्योंकि जब वो मार के निकल रहा होता है तो ये बच्चे सब कुछ देख लेते हैं और फिर वो लोग वो वहाँ से चला जाता है। इस स्टोरी के एंड में हम देखते हैं कि एंटन जो कि साइको पेशेंट होता है वो सारे पैसे भी हासिल कर लेता है और उन लोगों को मार भी देता है। इस मूवी का नाम नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन इसलिए होता है क्योंकि ये उस वक्त की मूवी होती है जब क्राइम्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो लोग बूढ़े हो चुके होते हैं उन्होंने अपने वक्तों में कोई भी खून खराबा और वॉयलेंस नहीं देखा था, जिनके लिए ये वक्त नहीं होता, यानी कि नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।